बॉलीवुड के सिंघम के नाम से मशहूर अभिनेता अजय देवगन के साथ काम करके कई अभिनेत्रियां मशहूर हुई हैं, जिनके बारे में आप सभी सब कुछ जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी अजय देवगन के साथ काम करके मशहूर हुई उन अभिनेत्रियों के बारे में तो जानते हैं, पर क्या आप उनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको उन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ बच्चों के बारे में बताते हैं। नंबर एक, माधुरी दीक्षित। लज्जा और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में अजय देवगन के साथ काम करके मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के दो बेटे हैं, जिनमें इनके बड़े बेटे का नाम एरिन नेने है, तो वहीं इनसे छोटे बेटे का नाम रियान है, जिनसे ये बहुत प्यार करती हैं। नंबर दो, रानी मुखर्जी। चोरी चोरी फिल्म में अजय के साथ शानदार केमिस्ट्री दर्शाते हुए नजर आई अभिनेत्री रानी मुखर्जी की बात करें तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है, जो कि देखने में काफी क्यूट और प्यारी है। नंबर तीन, ऐश्वर्या राय। हम दिल दे चुके सनम फिल्म में अजय देवगन की पत्नी के रूप में नजर आई अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है, जो की काफी समझदार और शांत स्वभाव की लड़की है, जिसे ऐश्वर्या अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। नंबर चार, करिश्मा कपूर। सुहाग और संग्राम जैसी कई फिल्मों में अजय के साथ काम करके मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चे हैं, जिनमें इनकी बड़ी बेटी का नाम समायरा कपूर है और वहीं इनके छोटे बेटे का नाम कियान राज कपूर है, और ये अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और इनके बच्चे भी इनका सारा कहा मानते हैं। नंबर पांच, रवीना टंडन। दिलवाले फिल्म में अजय देवगन के साथ काम करके मशहूर हुई अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी का नाम राशा ठडानी है, जिनसे रवीना बहुत प्यार करती है और राशा भी अपनी मम्मी से बहुत क्लोज है। इसके साथ इनका एक बेटा है रणबीर ठडानी, जो की अभी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे हैं। नंबर छह, सोनाली बेंद्रे। अजय के साथ दिल जले फिल्म में मशहूर होने वाली अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का एक जवान बेटा है जिनका नाम है रणबीर बहल, जो अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं सोनाली भी अपने बेटे की हर खुशी को सर आंखों पर रखती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ बच्चों से मिलकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।